राजमाता कुंती बुआ के चरणों में कन्हैया का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है कन्हैया। कहो कैसे आना हुआ, क्या संदेशा लेकर आए हो? बहुत अच्छा संदेशा भी है। अच्छा, क्या अच्छा संदेशा है? बुरा भी है। बुरा भी है। अच्छा तो ये है कि तुम्हारे दुख के दिन बीत चुके हैं। पांचों पांडव छठी द्रौपदी के 13 साल दुर्योधन के शर्त के हिसाब से बिल्कुल पूरे हो गए हैं और वो राजी खुशी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक माँ को क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए कि उसके बच्चे सही सलामत हो। 13 साल तुम्हारे आंसुओं में बीते हैं, तुम्हारी ममता तड़प तड़प करके 13 साल से बेहाल हो गई है। आज तुम्हारी ममता को सुकून मिल चुका होगा। तुम्हारे पांचों पांडव और छठी द्रौपदी का वो वनवास खत्म हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कन्हैया, लेकिन बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि दुर्योधन ने जो वादा किया था अपने वादे से मुकर गया है। क्या? पांडवों का राज हिस्सा देने से दुर्योधन दो टूक नट गया है। क्यों? दुर्योधन कहता है कि पांडवों का राज चाहिए, पांडवों को राज करने का शौक है, सिर पर ताज रखने का शौक है, तो दुर्योधन और दुर्योधन की सेना से युद्ध करें, युद्ध जीत करके राज और ताज और मौज करें। तो कन्हैया इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ। जाकर कह दो दुर्योधन को क्या कि मेरे बेटे युद्ध करने के लिए तैयार है। जाकर के कह दूं तुम्हारे पांचों पांडव दुर्योधन से युद्ध करें? हाँ। तुम जानते हो कि युद्ध का परिणाम क्या होगा? युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, मेरे बेटे किसी से कम नहीं है। अरे मैंने शेर जने हैं, शेर, और मेरे पांचों बेटे दुर्योधन और दुर्योधन की सेना पे भारी पड़ेंगे। तुम्हारे पांचों बेटे दुर्योधन की सेना के सामने कुछ भी नहीं है। दुर्योधन की सेना से तुम्हारे पांचों बेटे युद्ध कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पांचों तुम्हारे अपने के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ये युद्ध हुआ तो पांडवों की हार होगी और दुर्योधन की जीत होगी। समझी नहीं कन्हैया? आज तुम्हारा अपना तुम्हारे अपनों पर भारी है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अपने बेटों की जीत देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा मेरे कहने से एक काम करना होगा। अरे कौन मां नहीं चाहती कि उसकी बेटे की जीत हो? मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे की जीत हो। तुम्हारे बेटों की जीत हो जाएगी, लेकिन एक काम कर दे। कौन सा काम? जो भेद तू अपने सीने में दबाए बैठी है उस भेद को खोल दे। कौन से भेद को कन्हैया? तू जानती है? क्या याद नहीं है? नहीं है। मैं बता दूं? हाँ याद। सुनिए मेरी बात। अरे वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, वो तेरा बेटा प्यारा। और दुर्योधन तेरा दुश्मन है, पांचों पांडव तेरे छोटे भाई हैं। कन्हैया दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं और अपने भाइयों के साथ हो जा। मैं करण के पास नहीं जा सकती, इससे अच्छा यही होगा क्या कि तुम दुर्योधन के पास जाओ। अच्छा? और उससे कह दो कि समझौता कर ले। समझौता कर ले? हाँ। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुमसे पहले मैंने प्रयास किया, अब समझौता
सकता, अब समझौता ना हो सकता। बाजी उठी रणभेरी, उस दुर्योधन ने मानी कोन्या एक बात भी मेरी, एक बात भी मेरी। समद्रोन विदुर कृपा चारी ने कही बतेरी, अरे उसने सबको ठुकरा दिया, मौत शीश पे गेरी, मौत शीश पे गेरी। महारथी हैं, बड़े बड़े महारथियों से डरने की बात जरूरत नहीं है। कितने भी बड़े बड़े महारथी हो, मेरे कहने से तुम ये काम कर दो, बड़े बड़े महारथियों की कोई, उनका कोई खौफ नहीं। क्यों 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 खौफ नहीं है? अरे वो दुर्योधन की सेना में रहते हैं, तो साथ तो दुर्योधन का देंगे ना। हाँ देंगे साथ, ये बात तेरी सच्ची है कि वो दुर्योधन का साथ देंगे, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि ऊपरले मन से अगले का साथ देना पड़ता है, कुछ क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन वो अपनी इस मजबूरी में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। वो पूछो क्यों क्यों भीष्म पांडव प्यारे, इनते ना खतरा जीवन का, ना खतरा जीवन का। तेरे पांचों बेटों पे दिक्कत, तेरे पांचों बेटों पे ना झटका झिले करण का। अच्छा सच पूछो तो हाँ? सच पूछो तो वो ही प्यासा पांडव के प्राणन का, पांडव के प्राणन का।
बड़े प्रेम ते पास बिठा के तू उसने समझिए, तू उसने समझिए। अरे उसकी जन्म कहानी का उसे सारा भेद बताइए। और यूं कह दिए क्या, अरे पांचों पांडव भाई तेरे जाके उसे बताइए, जाके उसे बताइए। साफ साफ शब्द में कह दो कि करण अपने छोटे भाइयों को सहारा दे दे, दुर्योधन का सहारा देने से कोई फल नहीं मिलेगा। जितनी आसान तुम इस बात को समझ रहे हो कन्हैया, उतनी आसान नहीं है। क्यों? अगर मैं करण के पास चली भी गई तो? और मैंने उसकी जीवन की सच्चाई उसके सामने सारी बता दी तो वो मेरी बातों पे फिर भी विश्वास नहीं करेगा। अरे वो हो सकता कि खुश हो जाए तुम्हें, तुम्हारे सीने से लग जाए तुम्हें, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। एक बेटे को वो बचपन की बिछड़ी हुई माँ मिल जाएगी। मुझे विश्वास है कि करण मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। नहीं करेगा? हाँ। पहली बात तो करेगा, और ना करेगा तो उसका भी उपाय बता दूं। क्या उपाय है? सीधा सीधा सा एक उपाय है। क्या? अगर हमारे संगियाने में, अगर हमारे संगियाने में फेर वचन फेर वचन भरवा लीजे, वो तो वीर बड़ा सदानी, वीर बड़ा सदानी। कुछ नहीं मांगना झोली फैला करके, बेकारण बन जाना बेकारण। ये मत देखना कि ये मेरा बेटा और मैं इसकी माँ हूँ। छोड़ देना उस रिश्ते को, बस ये समझ लेना कि सामने भगवान खड़ा है, भगवान से भीख मांग रही। लेकिन और भीख कैसी में भीख में क्या मांगना है? क्या मांगना है? सोना चांदी हीरे मोती राजबाग धन दौलत कुछ नहीं मांगना, सिर्फ एक शब्द कह देना। क्या? हरि प्राण दान पांचों का मांगना, कह देना कि बेटा मेरे पांचों बेटों की प्राणों की भीख मेरी झोली में दे दे। हरि प्राण दान पांचों का मांगना, ना होगी फिर हानि इस पर आते तेरे बेटों की बच जागी जिंदगानी, बच जागी जिंदगानी। जोरदार ताली।